दोस्तों जियो ने कर दिया अपनी वेबसाइट पे अनाउंस कि जियो की प्री बुकिंग हो गई है बंद। दोस्तों क्यों बंद हुई है और आगे क्या प्लान है स्टार्ट होने के दोबारा, इसके अलावा आपको फ़ोन कब तक मिलेगा जिन लोगों ने प्री बुकिंग की है, दोस्तों इस वीडियो में उसी के बारे में बात करने और आपको दे दूंगा सारी इन्फॉर्मेशन। सो वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज शानवास खान, यू वाचिंग सुपर नॉलेज, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जियो की बुकिंग क्यों बंद हुई उसके बारे में बात करते हैं, इसके अलावा फिर बाद में दूसरी चीज़ों पर बात भी करूँगा। सबसे पहले ये जो बात निकल कर आती है कि क्यों बुक हुई है, दोस्तों जियो ने यहाँ पर अपनी वेबसाइट पर मेंशन किया हुआ है कि भाई 1 मिलियन से भी ज़्यादा यहाँ पर बुकिंग हो चुकी थी प्री बुकिंग पहले से ही, इसके अलावा हम एक्स्ट्रा बुकिंग नहीं ले सकते और इससे ज़्यादा फ़ोन भी नहीं बने हैं अभी जो कि आपको आगे मिलेंगे। तो यही था टोटल, अभी बताया जा रहा है कि 31 तारीख से हो सकता है आपको बुकिंग दोबारा से शुरू हो, जैसे यहाँ पे मेंशन नहीं है, कुछ वायरल निकल कर आ रहे हैं कि भाई 31 तारीख से हो सकता है दोबारा से जियो शुरू करे प्री बुकिंग। दोस्तों इसके अलावा जो लोग ने 500 रुपये जमा कर दिए जियो यहाँ पर, वो भी मेंशन किया है कि भाई उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, उनको उनका फ़ोन मिलेगा। यहाँ पर रिफ़ंड का ऑप्शन नहीं दिया है उन्होंने कि भाई जो लोग पैसा जमा किए वो लोग रिफ़ंड भी ले ले, 500 रुपये जो आपने प्री बुकिंग का जमा किया था वो आप रिटर्न भी ले ले, ऐसा कुछ नहीं दिया है। लेकिन दुकानदार अभी भी ऑफलाइन मार्केट में अभी भी वो 500 रुपये लेकर प्री बुकिंग कर रहे हैं। तो मैं आपसे बस खाली यही कहना चाहता हूँ कि आप मत जाइए दुकानदार के पास, वो प्री बुकिंग बंद हो गई है, इसलिए आप घर पर बैठिए और ऑनलाइन वेबसाइट पर जाके बार बार चेक कीजिए कि प्री बुकिंग कब स्टार्ट होगी। दोस्तों तो अगली बात करते हैं, जिन लोगों ने प्री बुकिंग यानी कर लिया है पहले से, वो लोगों को फ़ोन कब मिलेगा, यानी जो अपना फीचर्ड फ़ोन है जियो का वो उन लोगों को कब तक मिल जाएगा। दोस्तों तो जो फ़ोन है वो भी बहुत ही कमाल का फ़ोन है जिसको इंटेक्स द्वारा बनाया जा रहा है क्योंकि जियो की ब्रांडिंग होगी उसके ऊपर। अच्छा, ये फ़ोन आपको मिलेगा कब, जो कि डेट टू पहले डिक्लेयर अभी तक नहीं हुई है, हो सकता है अगले मंथ या फिर 2-3 मंथ बाद मिले। किस तरह आपने उसका बुकिंग को, जियो ने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जैसे जिस स्टेप से आपने बुकिंग की, जैसे कि आप जैसे तुरंत स्टार्ट हुआ उस हिसाब से जिसने मतलब फर्स्ट बुकिंग की है उसको फर्स्ट मिलेगा, कोई नाइंसाफी नहीं होगी। जियो ने यहाँ पर बाकायदा डिक्लेयर किया है भाई जिसने पहले बुकिंग की उसी को मिलेगा, ये नहीं कि जो अभी बुक कर रहा है उसको पहले मिल जाएगा, यानी आप जितना देरी से बुक करोगे उतनी ही देरी से आपको फ़ोन मिले, मतलब लेट मिलेगा। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी न्यूज़ भी है और बुरी न्यूज़ भी है। दोस्तों अच्छी न्यूज़ ये है कि जो पहले बुक किए थे उन लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, उनको उनका फ़ोन पहले ही मिल जाएगा 1 या 1.5-2 महीने बाद। और उसके अलावा जो दूसरी बैड न्यूज़ है कि यार जो लेट बुक किए हैं और इसके अलावा जिन लोगों ने 500 रुपये मतलब वहाँ पर फंसा दिए, वो लोग को मतलब 500 रुपये रिटर्न लेने हैं। टेक्निकली ये फ़ोन फ्री है लेकिन भाई हम 500 रुपये अभी जमा कर दिए, हमारे 500 रुपये चले गए, मतलब कि 3 साल बाद यार कौन याद करता है उस फ़ोन को कि यार 3 साल बाद जाओ दुकानदार को कि यार मैं 3 साल पहले फ़ोन लिया था अब मुझे इसको रिफ़ंड दे दो वापस, फ़ोन मेरे पास वही सही सलामत है। क्या पता उस 1500 की वैल्यू उस 3 साल बाद होगी या फिर ये फ़ोन और महंगे हो जाएंगे 3 साल बाद, आप यही सोचो कि यार ये फ़ोन अभी चल रहा है और आगे यूज़ करेंगे। तो सर बहुत से मतलब फीचर को मिला के जियो ने प्लान किया है कि भाई ये फ़ोन सामने वाले के पास चले ही जाए, मतलब रह ही जाए। अभी हमको फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी भी नहीं पता कैसा फ़ोन है, क्या पता 1 हफ्ते में ख़राब हो जाए, क्या पता 1 महीने में ख़राब हो जाए, बस खाली जियो की ब्रांडिंग इंडेक्स ने बनाए, इसलिए हम मतलब इंडियन कंपनी है दोनों ही, इसलिए हम मतलब कि भाई अच्छा है कोई इंडियन ही कर रहा है तो हम मतलब विश्वास करके ले रहे हैं वो फ़ोन को। तो क्या पता वो फ़ोन 1 साल में ख़राब हो जाए, 1 साल की वारंटी, 1 साल 1.5 साल में ख़राब हो जाए, तो आप मतलब उसके दुकानदार को ये नहीं जाके कह सकते कि भाई ये फ़ोन ऑटोमेटिकली ख़राब हुआ है। जियो ने वहाँ पर बाकायदा मेंशन किया हुआ है कि अगर आप ये फ़ोन जिस कंडीशन में आप लेते हो, फिज़िकल कंडीशन नहीं और अंदर के हार्डवेयर की और अंदर के सॉफ्टवेयर की कंडीशन वहाँ पर देखी जाएगी कि भाई ये फ़ोन आपका कैसा है, जैसा आपने हमने दिया था बिल्कुल वैसे ही, तभी आपको 1500 रुपये मिलेंगे, यानी आपके 1500 रुपये तो गए उसको आप भूल ही जाओ, तभी बेस्ट है तभी आप इस फ़ोन को परचेस करो, वरना फ्री अगर आप सोच के परचेस करते तो फ़ोन बिल्कुल से ही बेकार है। दोस्तों यही थी जो न्यूज़, जो फटाफट से मैंने भी वीडियो शूट किया, काफ़ी लेट हो गया वीडियो, फटाफट से इसको एडिट करता हूँ डाल देता हूँ। दोस्तों इसी तरह के मेरी और भी वीडियोस अभी मैं आगे डालूंगा कि भाई अब जियो कब बुकिंग चालू होगी, इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर बने रहना है ताकि आपको और भी ज़्यादा अपडेट मिलता रहे। अभी वीडियो बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए सब्सक्राइब और भी वीडियोस देख लीजिए, आपके काम की वीडियोस होंगी। अभी के लिए बस इतना ही, जय हिंद और आपका दिन शुभ हो।